अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। कॉल नाजमाबाद से जो बच्चे अगवा हुए उनके केस की आज की अपडेट ये है कि डॉक्टर आसिम ने अब से थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात की और बच्चों को जियाउद्दीन स्कूल में दाखिल करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात तक बच्चों को फ्री तालीम दी जाएगी। दूसरी तरफ उनकी वालदा का कहना ये है कि मेरे हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, जबकि सच ये है कि बच्चे मेरी बहन के पास थे और ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे 24 घंटे गायब रहे, उनके साथ क्या हुआ इस चीज़ को भी सामने लाया जाए। बच्चों का कहना यह है कि उनकी खाला उन पर जुल्म करती थी, जिसकी वजह से वो घर से भागे हैं। आज अदालत में बच्चों की वालदा की तरफ से भी वकील पेश हुआ और वालिद भी पेश हुए, और बच्चों को ये कहा जा रहा है अपडेट के जी उनकी दूसरी एक खाला है उसके हवाले किया जा रहा है। जबकि बच्चों का कहना यह है कि कोविड के बाद यानी कोरोना के बाद से अब तक जो है वो स्कूल नहीं गए, क्योंकि उनकी खाला ने उनको स्कूल नहीं भेजा। इसलिए डॉक्टर आसिम ने फैसला किया है कि उनको जियाउद्दीन स्कूल में दाखिल किया जाएगा और बच्चों को मैट्रिक तक तालीम दी जाएगी। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी, इसमें आपको जो भी मज़ीद आएगी खबर वो आपको दी जाएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।